कितने पैसे हो गए अखबार और रद्दी के? बहन जी पूरे 90 रुपए हो गए। 90 कैसे, पूरे 110 रुपए बने। तूने ही तो कहा था कि तू ये घड़ी ले लेगा, तो 20 रुपए की ये घड़ी भी हो गई ना। कैसी बातें कर रही हो बहन जी, ये तो पूरी टूटी हुई है, अस्थि पंजर सब बाहर निकले हुए हैं। इस घड़ी के 10 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा। ला इधर ला, तू घड़ी मुझे दे, मैं किसी और को बेच दूंगी, और ये अखबार और रद्दी भी यहीं रख जा तू। ठीक है आपकी मर्जी, वैसे भी सारे अखबार तो गीले हैं बारिश में, लगता है रद्दी बाहर रख दी, पहले ही जबरदस्ती रद्दी का वजन बढ़वा दिया। अरे मैं तो ले ही रहा था, पर कोई नहीं खरीदेगा ये गली सड़ी रद्दी और अखबार, बता रहा हूँ। अरे तू जा, मैं बेच दूंगी जिसे बेचना होगा। अरे बेचना नहीं है, फालतू में रोक कर खड़े हो जाते हैं, न जाने कितने कंजूस हो गए आजकल लोग, मेरे और 4 ग्राहक मिल जाते, बेकार में टाइम खराब करा। माँ जी ये कबाड़ी वाला भी खाली हाथ चला गया, आपने इसको भी अखबार और रद्दी नहीं बेची, इतनी मुश्किल से ये कबाड़ी वाला माना था और पैसे भी सही दे रहा था, ये सारे अखबार और रद्दी बारिश में कितनी गीली होकर गंदी स्मेल कर रही है, अब पता नहीं कबाड़ी वाला कब आएगा। अरे पता नहीं गली में कितने घूमते हैं, अभी देखना थोड़ी देर में कोई और आ जाएगा। पता नहीं ये माँ जी कंजूसी करना कब छोड़ेंगी, इतना भी कोई क्या ही कंजूस होगा। अंजलि अपनी सास सरिता के लिए जो भी कह रही है बिल्कुल सच है, क्योंकि अंजलि की सास सरिता कंजूस नहीं महाकंजूस है, ये बात घर में और मोहल्ले में सब लोग जानते हैं। सरिता हर बात में कंजूसी करती है, उसकी इस कंजूसी की आदत से बहू अंजलि बहुत परेशान रहती है। अरे बहू राजमा बनाने के लिए 2 टमाटर नहीं आधा डालो, तुम्हें पता भी है टमाटर कितने महंगे हो गए हैं, 200 रुपए किलो तक का भाव हो गया है टमाटर का, लूट मची हुई है टमाटर की बाजार में, और वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, राजमा बिना टमाटर के भी बन जाएंगे। माँ जी एक तो डालने दो, मसाले में प्याज के साथ टमाटर नहीं डालूंगी तो घर में कोई भी नहीं खाएगा, आपको पता है सुमित को अगर राजमा चटपटे टमाटर वाले खट्टे खट्टे ना मिले तो सुमित राजमा बिल्कुल भी नहीं खाते, आप एक दे दो मुझे अभी के लिए। अच्छा रुक देती हूँ। सरिता सारे टमाटर उठा उठा कर देखती है और उनमें से एक सबसे छोटा टमाटर जो थोड़ा गला हुआ भी था वो अपनी बहू के हाथ में देती है। ये लो बहू ये डाल दो, इतना बहुत रहेगा। माँ जी इसमें से आधा टमाटर तो गला हुआ है, भला कितना ही सब्जी में डालेगा। पागल हो गई हो क्या, ये गला हुआ नहीं है, ये तो टमाटर का रस है, देखो कितना बढ़िया टमाटर है, ये पूरा टमाटर डालो सब्जी में, और हाँ 5 टमाटर गिन कर रख रही हूँ, इनमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ता चलेंगे ये टमाटर। अब क्या करूँ, ये तो सारे टमाटर छुपा कर रखती रहेंगी, मैं तो चुपचाप निकाल लूंगी फ्रिज में से, अरे बिना टमाटर के भला राजमा क्या ही स्वाद बनेंगे। माँ जी आप ये टमाटर कहाँ ले जा रहे हो? मुझे सब पता है, मेरे रसोई से बाहर जाते ही तुम फ्रिज में से टमाटर निकाल कर राजमा में डाल दोगी, इसीलिए मैं अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ, जब सब्जी बन जाएगी तो फ्रिज में रख जाऊंगी। ये तो बहुत चालू है, सच में कंजूस सासी है ये, कंजूस सासी रहेंगी। अब एक एक करके टमाटर कहीं ना कहीं रोज लग ही रहे थे, क्योंकि किसी न किसी सब्जी में डालने होते थे। सरिता को टमाटर का खर्चा भारी पड़ने लगा। माँ जी टमाटर खत्म हो गए हैं, 2 दिन से किसी भी सब्जी में टमाटर नहीं डाले, सुमित और पापा जी ने बार बार यही बोला कि थोड़े टमाटर डाल दो, आपको तो पता ही है कुछ सब्जियां बिना टमाटर के स्वाद नहीं बनती, अब कल आपने गोभी आलू बनवाए मैंने उसमें टमाटर नहीं डाला, भिंडी में टमाटर नहीं डाला, आपने कहा सूखे टिंडे बना लो तो मैंने वो भी बिना टमाटर के खटाई डालकर बना लिए, दाल को तड़का मैंने हींग जीरा प्याज लहसुन का लगा दिया, और भी न जाने कितनी चीजें मैंने खटाई डालकर बनाई है, अब 3-4 दिन से टमाटर बिल्कुल भी नहीं आए, कम से कम आधा किलो तो खरीद ही लेते हैं, ऐसी भी क्या कंजूसी माँ जी, आज सुमित स्पेशली बोलकर गए थे कि प्याज टमाटर की ग्रेवी से बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनाओ, अब अगर नहीं बनाया तो वो गुस्सा करेंगे, अब मैं उनको थोड़ी ये बोलूंगी कि आप टमाटर खरीद कर नहीं ला रहे हो। अरे सुमित का फोन, हेलो। हाँ सुमित। क्या बात है अंजलि, ये क्या आज फिर तुमने खाली जीरे और सूखे आलू बनाकर लंच में दे दिए, मैंने तरी वाले आलू टमाटर बोले थे, तुमने वो फिर नहीं बनाए। सुमित टमाटर खत्म हो गए थे, रखे नहीं थे, तुम तो जानते ही हो कि टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। मैं भी जानता हूँ टमाटर महंगे हो गए, अरे मैं ज्यादा डालने को थोड़ी कह रहा हूँ, तुम मंडी से 1 किलो टमाटर लेकर आओ जाओ, वो कुछ दिन चल जाएंगे, मुझे बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है, एक काम करता हूँ मैं आते हुए मंडी से टमाटर खरीद लाऊंगा। माँ जी सुमित कह रहे हैं कि वो मंडी से टमाटर खरीद कर ले आएंगे। अरे नहीं नहीं उसको बोल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मंडी जा रही हूँ मैं खरीद लाऊंगी।
सुमित तुम परेशान मत हो, माँ जी कह रही है मैं मंडी से खरीद लाती हूँ। सरिता ना चाहते हुए भी 1 किलो टमाटर खरीद लाती है। मंडी में उसे उस दिन 160 रुपए किलो टमाटर मिलते हैं। अब तो सरिता परेशान हो जाती है क्योंकि घर में टमाटर इस्तेमाल हो रहे थे, भले ही कम लेकिन सरिता को तो ये खर्चा भी भारी लग रहा था। एक दिन सरिता आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी उसने देखा ठेले पर एक टमाटर बेचने वाला निकल रहा था। उसने टमाटर की कुछ बोरियां ठेले पर रखी हुई थी और कुछ टमाटर बाहर ठेले पर रखे हुए थे। 100 रुपए के 2 किलो टमाटर, 100 रुपए के 2 किलो टमाटर, 100 रुपए के 2 किलो टमाटर। 100 रुपए के 2 किलो, ये तो बड़े सस्ते टमाटर दे रहा है और टमाटर भी लाल लाल है। अगर मैं इससे इकट्ठे टमाटर खरीद लूं तो मुझे तो बड़े सस्ते पड़ जाएंगे। माँ जी एक बार चेक कर लेना, इतने सस्ते टमाटर ये कैसे दे सकता है, कहीं खराब ना हो। अरे नहीं दीदी जी, देख लो टमाटर आपके सामने, लाल लाल पके हुए बढ़िया टमाटर दे रहा हूँ। वो तो मुझे अचानक अपने गाँव जाना पड़ रहा है, इसलिए इतने सस्ते टमाटर बेच रहा हूँ कि जितने पैसे मिल जाए उतने मैं बेच दूँ। अरे तू चुप कर बहू, इतने सस्ते में ये देख लाल बढ़िया टमाटर कहीं भी नहीं मिल रहे। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो रोजाना महंगे महंगे टमाटर डालकर सब्जी बनानी है, खर्चा तो मुझे देखना पड़ता है ना। भैया 100 रुपए के 2.5 किलो दे दे, इकट्ठे ले लूंगी। आंटी जी कोई बात नहीं, ले लो, मुझे तो बेचना ही है। आंटी जी अगर आप चाहो तो मैं ये पूरे ठेले के टमाटर मात्र 5,000 में आपको बेच सकता हूँ। अरे आप तो अपने पड़ोसियों को टमाटर बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, बाजार से 10 रुपए कम में भी दोगे तो खुशी खुशी मोहल्ले वाले खरीद लेंगे। इतनी तो जान पहचान आपकी अपनी मोहल्लेदारी में है ही कि आप पर सब विश्वास करेंगे। आइडिया तो है, मुनाफे का सौदा लग रहा है, हाँ कर देती हूँ। ठीक है भैया तू अभी रुक, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। सरिता के मन में लालच आ गया था, उसने जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि इतने महंगे टमाटर जब बाजार में बिक रहे हैं तो भला वो आदमी सस्ते क्यों दे रहा है। सरिता 5,000 रुपए देकर उस टमाटर वाले से सारे टमाटर के बोरे घर में रखवा लेती है। टमाटर वाला मिनटों में गायब हो जाता है, उसका काम हो चुका था। थोड़ी देर बाद सरिता पछतावे में अपना सिर पकड़कर बैठी थी। तभी कहा था इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, पर तुम मानती कहाँ हो। माँ तुम इतना तो समझ जाती कि वो टमाटर वाला पागल थोड़ी है जो यहाँ गली में आपको टमाटर बेचकर जाएगा, और वो भी इतने सस्ते। अगर उसने टमाटर बेचने होते तो वो मंडी में महंगे बेचकर जाता। क्या करते हो माँ? मैंने तो पहले ही माँ जी को बोला था कि एक बार चेक कर लो, पर माँ जी मेरी सुनती कहाँ है। ये देखो ऊपर ऊपर टमाटर है और नीचे सारे कागज और पत्थर भरे हुए हैं। वो टमाटर वाला बेईमान निकला, उसने ठेले पर तो बढ़िया टमाटर फैला रखे थे कि किसी को शक ना हो, और माँ जी जैसी सीधी मिल गई और वो सीधेपन का फायदा उठाकर पैसे कमाकर भाग गया। ये सब मेरी कंजूसी के कारण हुआ है, बचत के चक्कर में नुकसान करवा बैठी। सत्यानाश हो उस टमाटर वाले का, मेरे 5,000 कितनी मेहनत से जुड़े थे, लूट कर ले गया। माँ जी ये थोड़े बहुत टमाटर हैं बोरे में ऊपर ऊपर, ये हमारे 1 हफ्ते की सब्जी में काम आ ही जाएंगे। अच्छा कम से कम 1 हफ्ता चलाना, पता चले कल फिर बोले कि माँ जी टमाटर। माँ जी अभी भी और फिर सब लोग जोर से हंस देते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि थोड़ा महंगा भले ही कम और जरूरत के अनुसार खरीद लो, पर सस्ते के चक्कर में लालच में आकर नुकसान कभी मत उठाओ। सुमन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वैसे वो बहुत होशियार थी। धामपुर शहर में उसकी ससुराल थी। आजकल वो अपने बेटे पारस के साथ मायके रहने आई हुई थी। पारस इतना दौड़ा दिया, थक गई हूँ बेटा, अब तंग मत करो, चलो ये एक निवाला और खाओ। सुमन बिटिया तू जितना बोलेगी खाने के लिए ये उतना ही तुझे तंग करेगा, अपना भी तो ध्यान रखना है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाने के लिए इसके आगे पीछे ना भागूं तो ये पूरा दिन कुछ ना खाए। रुको माँ शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी सब ठीक तो है, आप रो क्यों रही हो? क्या नितिन का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? मैं पहुँच रही हूँ। सुमन के पति नितिन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। सुमन अस्पताल पहुँचती है। सुमन बहू डॉक्टर ने कहा है कि नितिन के पैरों में गहरे जख्म आए हैं, डॉक्टर कुछ तो इलाज होगा। देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इनके घुटनों के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है। माँ मैं और मीना जरा घर जा रहे हैं, बंटी घर पर अकेला है। सुनो जी ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है, अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मूंग दलेंगे? ऊपर से उसके 2 बच्चे, एक साथ में है और एक पैदा होने वाला है, अब तुम मेहनत करोगे और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे मीना तुम देखती जाओ, इन्हें घर तो आने दो, मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है, तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो,
मैंने सब सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। हाँ, सुमन और उसकी सास नितिन को घर लेकर आते हैं अगले दिन। माँ, मुझे नहीं लगता कि अब नितिन कोई काम कर पाएगा या कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, है ना। मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा। सुरेश, तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं। नितिन, तू अब सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती, अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती हैं। अरे, तू क्या मुझे निकालेगी, मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। सुमन 1200 रुपए महीने का एक किराए का कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, माँ जी, पारस माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है, घर कितना सोना सोना सा लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, नितिन की दो कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी थी, क्या करूँ, मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा, मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी, काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं, नितिन का लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये एक लौकी देना। अब इनके आलू तोल लूं फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है, दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है, वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो, ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें। पता नहीं कब से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहा है। सुमन को बोलता देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे ठेले वाले उसे झुककर नमस्ते करते हैं। मरिया, क्या हुआ, यहाँ इतना शोर कैसा तेरे ठेले पर? ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है, अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। मेरी इतनी हिम्मत हरिया कि तू मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है, मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। माफ कर दो सज्जन सेठ, आज के बाद कोई बेमानी नहीं करूँगा, शराफत से सब्जी बेचूंगा, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ, रहने दीजिए भाई साहब, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते सुमन की आंखें भर आती हैं, तभी चिंता से उसके दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास में भीड़ लग जाती है। अरे, इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सुमन की अचानक शायद चिंता और परेशानी से दर्द शुरू हो जाता है। सज्जन सेठ कुछ लोगों की मदद से सुमन को अस्पताल ले जाता है। सुमन रास्ते में ही अपने घर का पता सज्जन सेठ को बता देती है। सज्जन सेठ उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है। सुमन को एक बेटी पैदा होती है। वही सज्जन सेठ को पता चलता है कि सुमन का पति नितिन अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। सज्जन सेठ, आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरी अपनी बहन जैसी हो। सुमन घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सज्जन सेठ उसके घर आता है। सुमन बहन, तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी, मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं पर संभालने वाला कोई नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं उनका हिसाब और देखरेख अब से तुम रखो, मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, नितिन, देखो भगवान ने सज्जन सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे, वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जियों का सारा हिसाब रखती, एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं।
सज्जन सेठ भी सुमन की मेहनत को गौर करता था। सुमन के आ जाने से सज्जन सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था। बहू, तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो नितिन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, देखना तुम्हारा प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। सुमन को सज्जन सिंह के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद सुमन सब्जी मंडी का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर सुमन एक सब्जी वाली बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है।